आयशा, अम्मा की बातों को दिल पर लेकर अपना दिल बुरा मत करो। तुम तो जानती हो उन्हें, तुमने जो कुछ भी किया अच्छी नीयत के साथ किया है। तुमने जो किया है वो तो कोई आला जर्फ रखने वाला ही कर सकता है। आयशा, आजकल नेक नीयति और आला जर्फी से कोई मुतासर नहीं होता। मां ठीक कह रही थी, वो एक खुद गर्ज इंसान है, उसे किसी की परवाह नहीं, किसी का एहसास नहीं। उसने मुझ पे शक नहीं किया, उसने ना मुझे मेरी हैसियत याद दिलाई है। उसे लगता है कि ये सब उसके लिए कोई भी लड़की कर देगी। हाँ, वो पैसे से खरीद सकता ना। उसे लगता है वो वफा, एहसास, रिश्ते, ताल्लुक सब पैसे से खरीद सकता है। उसे मेरी तो कोई फिक्र नहीं, उसे मुझ पर एहसान किया मुझसे ये पूछ के कि आप घर नहीं आएंगी। एहसान कर रहा था वो, बेइज्जत करके उसने मुझे घर से निकाला था। बजाय इसके कि माफी मांगता, ऐसे बात कर रहा था जैसे एहसान कर रहा है। उसकी हर बात ऐसे होती है जैसे एहसान कर रहा है वो। उसकी माँ मुझसे वादा लेके गई थी कि मैं उसको अकेला ना छोड़ू, बस वादा पूरा रखना था मुझे। लेकिन बानो, अगर उसने मुझे छोड़ने का फैसला कर दिया है तो मैं क्या करूं? तो फिर मैं गलत हूं, मेरा कसूर है, मैंने निभाने की कोशिश नहीं की। शायद अच्छा, तुमने कोई गलती नहीं की है। और वो तो बासित है जो गलतफहमी का शिकार है, उसे पछतावा होगा बहुत। Thank you.